नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस में। आइए आज हम लोग पार्ट 7 से पढ़ेंगे। पार्ट 7, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो बताया था कि मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोग को, यह जो है ना डॉक्टर के.सी. सिन्हा ने से बता रहा हूँ। यह जो है ना डॉक्टर के.सी. सिन्हा मेथ से बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब हम लोग प्रश्न देखेंगे। यह जो है ना हमारा एक्सरसाइज है 1.2 ही चल रहा है। प्रश्न यह दोस्तों तो हो चुका था, अब बात करेंगे प्रश्न 11 से। 11 में इससे पहले कुछ मैं आपको एक बेसिक बता देना चाहता हूँ। जैसे कोई भी संख्या है जिससे कि 10, 2 × 5 = 10, 5 से देंगे तो 5 × 5, अगर 20 है तो 10 × 5 = 5। तो हम लोग इसमें क्या देखते हैं कि जिस संख्या का इकाई का अंक क्या है 0 है, तो वह संख्या गुणनखंड जो होता है वह 2 और 5 के रूप का होता है। देख सकते हैं, देखिए इसका इकाई अंक कितना है, 0 है, तो यह संख्या 2 × 2 × 5 यानी कि कहने मतलब वह कि वह 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में होता है, ये होता है। तो आप समझ गए होंगे कि किसी भी संख्या को शून्य लाने के लिए यानी कि शून्य पे समाप्त करने के लिए उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड में होना चाहिए 2 और 5 होना चाहिए। सेम ऐसा ही प्रश्न है, जो इसलिए मैंने आपको बेसिक बता दिया कि किसी भी संख्या को शून्य पे समाप्त होने के लिए अर्थात इकाई अंक 0 आने के लिए उसके गुणनखंड में क्या होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए, तब वह क्या होगा, शून्य पे समाप्त होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हमारा प्रश्न 11 का जो है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं आपको दिखाई दे रहा होगा, प्रश्न ऐसा ही कुछ है। प्रश्न है कि जांच करें कि n बिलोंग्स टू n के लिए 15^n का इकाई अंक शून्य हो सकता है। तो मैंने प्रश्न पढ़ लिया, अब इसको बनाते हैं। तो एक नंबर में है तो बनाएंगे इस तरह से कि माना कि संख्या 15^n शून्य पर समाप्त होती है। क्या बोल दिए, यह संख्या जो है शून्य पर समाप्त होती है, तो इसको लिख सकते हैं 15^ इस तरह से 3 × 5, पावर तो n है, इसको बोल सकते हैं यह घात जो है दोनों के लिए होता है, पावर होल्ड पे है ना, यह घात n जो है वह 3 के लिए भी है और 5 के लिए भी है। और प्रश्न में बोल दिया है क्या, n बिलोंग्स टू n, इसका मतलब यह n जो है बिलोंग्स करता है किससे, नेचुरल नंबर से करता है यानी प्राकृतिक संख्या से करता है। अब इसे लिख सकते हैं प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से हो गया। तो यहाँ पर अगर प्राकृतिक संख्या पहला अगर हम 1 धरते हैं तो 1 इसका भी 1 होगा, कहने का मतलब धरेंगे 1 तो इसका घात 1 होगा और यहाँ भी घात 1 होगा, तो 3 का घात तो 3 होगा, 5 का घात 5 होगा, तो 3 × 5 कितना हो जाएगा 15। क्या इकाई में 0 आया, जी नहीं 0 नहीं आया। अब धरते हैं 2, अगर हम धरे यहाँ पे कितना 2, तो इस पर भी धरना पड़ेगा 2, 3 × 3 कितना हो जाएगा 9 और 5² = 25, 25 नाम हो जाएगा 225, जो कि आपका इकाई में कितना आ गया 5। प्रश्न में क्या कर रहा था, क्या 15^n जो है शून्य पे समाप्त होता है, तो हम लोगों ने क्या जांच कर ले, तो बारी बारी से जब भी हम धरेंगे प्राकृत संख्या n का मान 1, 2, 3 बारी बारी से धरेंगे तो कभी भी यह जो है ना 0 पे समाप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो हमने इससे पहले जस्ट कुछ क्षण ही पहले मैंने आपको बताया था कि कोई भी संख्या 0 पे समाप्त होता है उसका जो है ना गुणनखंड 2 और 5 के रूप में होना चाहिए, तब वह क्या होगा, शून्य पे समाप्त होगा, नहीं तो नहीं हो सकता है। तो यह हम लोगों ने देखा क्या कि यह जो है ना हमारा गुणनखंड जो है 2 और 5, 3 और 5 के रूप में है, जो कि शून्य पे समाप्त नहीं हो रहा है। तो हम लोग लिखेंगे कि चूंकि 15^n के अभाज्य गुणनखंड में 2 × 5 के रूप का नहीं है, इसलिए
कथन में अंतर विरोध, अंतर विरोध है, अतः अतः 15 का घात 5 यानी 15 घात n, अतः 15 घात जो n है शून्य पर समाप्त नहीं होगा। आप जो इस तरह से बना सकते हैं, या इसका और एक डिफिनेशन ले सकते हैं, आपका यहाँ से जो मैंने बताया बिल्कुल सही है, और दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ, बस यहीं से चेंज करना है, कुछ नहीं, इतना सेम रहेगा। तो क्या लिखना है, क्योंकि n के किसी भी मान पर 15 का घात n का गुणज 3 और 5, क्या लिख सकते हैं सीधा सीधे इसको, 3 या 5 का गुणा 3 या 5 का प्राप्त होता है। लिखना है चूंकि हम जानते हैं कि कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होना आवश्यक है। अतः यानी कि कोई भी संख्या जो है ना 0 पर समाप्त तभी होगा जब उसके अभाज्य गुणनखंड में क्या होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए। अतः 15 का पावर n, n बिलोंग्स टू n के लिए अंक, या लिख सकते हैं संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। आप इस तरह से भी बना सकते हैं, पहला वाला मेथड या मतलब सेम भाषा तो वही है, खाली भाषा में अंतर है, लेकिन इसका जो अर्थ होता है बस वही है जो यह मांग रहा है, यानी कि कोई भी संख्या को 0 पे समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होना चाहिए, तभी वह जो है ना 0 पे समाप्त होगा अथवा नहीं हो सकता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 में। दो का प्रश्न है 11 का क्वेश्चन नंबर 2। दो में प्रश्न है, जांच करें कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 24 का घात n का इकाई अंक 5 हो सकता है। तो सिर्फ तरह से बनाएंगे, क्या लिखेंगे, माना कि संख्या 24 का घात n, बोलता है 5 पे समाप्त हो सकता है, तो मान लेंगे माना कि संख्या 24 का घात n 5 पर समाप्त होती है। तो 24 का घात n है, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 का घात 3 और यहाँ 3 ऊपर से है, यह जो इस तरह से मैंने तोड़ दिया 24 है ना, तो 2 दुनी 4, 2 6 12, 2 3 8, यानी कि 2 का घात 1 2 3 और यहाँ क्या हो गया 3। और देखिए 8 का घात कितना है, 24 का घात कितना n है, वही तो घात n दिए हैं। चलिए इसको लिख सकते हैं और थोड़ा कुछ को भी से लिख सकते हैं, 2 है तो 2 का घात यह पावर जो है गुना होता है, तो यहाँ 3n गुना या यह पावर जो है ना 3 के लिए भी है। तो 5 पे समाप्त करना है, तो 5 पे समाप्त करने के लिए हमें 3 और 5 चाहिए, 3 5 15, तभी यह 5 पे समाप्त होगा। जैसे इससे पहले मैंने बताया था कि 0 पे समाप्त होने के लिए क्या चाहिए, 2 और
पांच चाहिए। यहां पर क्या कहता है कि पांच पर समाप्त होना चाहिए, तो पांच पे समाप्त होने के लिए क्या क्या चाहिए, तीन और पांच चाहिए। अगर तीन और पांच गुणनखंड में मिल जाएगा तो वह पांच पे समाप्त तो होगा, नहीं तो नहीं। जैसे आप देख पा रहे होंगे यह संख्या जो है दो और तीन है, दो त्याग कितना होगा, छह होगा। अब बोल दिया क्या एन जो है ना बिलोंग्स करता है, एन बिलोंग्स टू एन, यानी कि यह एन जो है ना एक नेचुरल नंबर से बिलोंग्स करता है, यानी कि वन टू थ्री फोर फाइव इस तरह से बिलोंग्स करता है। यानी कि इस पर बारी बारी से एन का मान वन धर सकते हैं, टू थ्री फोर, और जितना बार मान धरेगा ना वह क्या होगा, हमेशा जो है ना पाँच नहीं आएगा। इससे मान लिया कि धरते हैं वन, तो यहाँ धरेंगे वन गुना थ्री, थ्री थ्री का इसका घात कितना हो जाएगा आठ, यहाँ धरेंगे वन तो कितना होगा तीन, तो आठ तेरह कितना हो गया चौबीस। फिर अगर धरेंगे तो कभी यहाँ जो पाँच पे समाप्त नहीं होगा। यहाँ लिखना है क्या, चूँकि चौबीस का पावर एन के अभाज्य गुणनखंड में तीन और पांच उपस्थित नहीं है, इसलिए बोल सकते ए कथन में अंतर विरोध है, अंतर विरोध है, यानी कथन में विरोध उत्पन्न कर रहा है, विरोध है। अतः संख्या 24 का पावर एन कभी भी पांच पर समाप्त नहीं होगी। बस इतना ही लिखना है, या दूसरा भाषा ले सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, दूसरा आप जो है ना भाषा ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं कि n के किसी भी मान के लिए 24 का पावर n के अभाज्य गुणनखंड में तीन और पाँच आता है, जो कि पाँच पे समाप्त होने के लिए क्या चाहिए, तीन और पाँच है, जो कि इसमें नहीं है। अब इस तरह से लिख सकते हैं, चलिए प्रश्न संख्या तीन में, दस का प्रश्न संख्या तीन, तीन में प्रश्न है, जांच करें कि क्या कोई प्राकृत संख्या n बिलोंग्स टू n के लिए संख्या x का पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है। वही बोलता है x का पावर n क्या शून्य पर समाप्त हो सकता है, तो हम लोग मान लेंगे उसी तरह से, माना कि संख्या x का पावर n शून्य पर समाप्त होती है। मान लिया क्या किस पर समाप्त होती है, यह जीरो पे नहीं शून्य पे समाप्त होती है, तो क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, तीन सतह इक्कीस पावर कितना एन, देखिए यहाँ पे इक्कीस का पावर है एन, ये तो इक्कीस ही हुआ ना, तीन सतह इक्कीस, तो इसको लिख सकते हैं इक्कीस का पावर एन, यानी कि थ्री, यह पावर दोनों के लिए है, तीन के लिए और सात के लिए भी है। और यह n के बारे में क्या बोलता है, n बिलोंग्स टू n, यानी कि यहाँ n जो है ना बिलोंग्स करता है किससे, नेचुरल नंबर से, यानी कि वन टू थ्री फोर इस तरह से बिलोंग्स कर रहा है। कहने का मतलब हुआ कि आप इस n का जगह में वन टू थ्री बारी बारी से धर के जांच कर सकते हैं कि जीरो लास्ट में आता है या नहीं आता है। चलिए पहला अंग लेते हैं हम वन, तो वन धरेंगे तो यहाँ भी वन, तो वन का तीन का पावर वन, सात का पावर वन, तो सात ही होगा, और तीन ही होगा तो सात कितना हो जाएगा आकेस नहीं आया। फिर धरते हैं यहाँ पे दो, तो दो का वर्ग तीन का, यहाँ दो, यहाँ सात का हो जाएगा दो, तो तीन तिया नौ, सती सती उनचास, तो नौ नौ में इक्यासी, बच गया आठ, और नौ चौके छत्तीस, चार चालीस, चार चवालीस, यहाँ क्या एक आ रहा है ना। प्रश्न में कहता है क्या शून्य पे समाप्त होता है, तो अब देखिए नहीं है यह शून्य पे समाप्त नहीं हो रहा है, यहाँ लिखना है, चूँकि अकेस का घात n के अभाज्य गुणनखंड में हाँ है, गुणनखंड में दो गुना पांच उपस्थित नहीं है, इसलिए ए क
कथन में अंतर विरोध है, अतः संख्या एक्स का घात एन शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, यहां से आपका प्रूफ हो गया, यानी कि शून्य पर समाप्त होने के लिए क्या चाहिए, दो और पांच चाहिए, जो कि इसका उल्लंघन करने पर दो और पांच उपस्थित है क्या, उपस्थित नहीं था, इसलिए शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो चलते क्वेश्चन नंबर इसका चार, ऐसे आप इसके आगे बना सकते हैं, चलिए फिर भी मैं जो है ना सब आपको सॉल्व करके देता हूं, टेंशन लेने का नहीं। क्वेश्चन नंबर चार, चारवें प्रश्न है, जांच करें कि क्या कोई प्राकृत संख्या n बिलोंग्स टू n के लिए 8 का पावर n अंक 5 पर समाप्त हो सकती है। तो फिर बोला कि यह 5 पर समाप्त हो सकती है, तो मैंने आपको बताया था कि 5 पर समाप्त होने के लिए उसके गुणनखंड में 3 और 5 होना चाहिए, 3 और 5 होगा तो वह 5 पे गुणनखंड समाप्त होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो सेम तरह से मान लेंगे, माना कि संख्या 8 का पावर n शून्य पर, सॉरी 5 शायद बोल रहा है, हाँ 5 ही बोल रहा है, 5 पर समाप्त होती है। तो 8 का पावर n, तो इसको लिख सकते हैं, तो इसको 2 का पावर 3 8 हो जाएगा, ऊपर से पावर कितना n है, तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, पावर तो गुना हो जाएगा 3n हो जाएगा। तो बोल दिया कि इस n के बारे में, n बिलोंग्स टू n, यानी यह n जो बिलोंग्स कर रहा है किससे, सॉरी यह n जो बिलोंग्स करता है मतलब संबंध रखता है, बिलोंग्स मतलब हुआ संबंध रखना, तो संबंध किससे रखता है, एक प्राकृतिक संख्या यानी n नेचुरल नंबर से। तो यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरह से आप ले सकते हैं, तो बड़े बड़े से धरेंगे तो यहाँ धरेंगे 1, तो यहाँ हो जाएगा 3 गुना 1 3 और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। तो कभी भी 0 पे या 5 पे समाप्त नहीं होगा। तो यहाँ क्या लिखना है, चूंकि 8 का घात n के अभाज्य गुणनखंड में 3 गुना 5 उपस्थित नहीं है, इसलिए ए कथन में अंतर विरोध है, अतः संख्या 8 का घात n 5 पर समाप्त नहीं होगी। बस अब चलते हैं प्रश्न संख्या इसका 5, सेम तरह से बनेगा सब प्रश्न। प्रश्न संख्या 5 में है, जांच करें क्या कोई प्राकृत संख्या n बिलोंग्स टू n के लिए 4 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो मानेंगे, माना कि क्या दिया हुआ है, 4 का पावर n, माना कि संख्या 4 का घात n शून्य पर समाप्त होती है, 4 का पावर n, यानी इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2, ऊपर से पावर है n, तब इसे खूब से खूब इतना तक तो लिख सकते हैं ना, 2 या पावर हो जाएगा गुना, तो हो जाएगा 2n, पावर पावर आपस में गुना होता है, तो 2 तो रह गया, 2 गुना n 2n, बोल दिया कि वही बात, n बिलोंग्स टू n, यानी कि यहाँ n जो है ना इवलाइन बिलोंग्स करता है n से, n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2 3 4 इस तरह से आप दे सकते हैं। तो बड़े बड़े से धरेंगे तो क्या 0 आएगा, चलते 1 धरेंगे तो 1 गुना 2 2, और 2 का स्क्वायर होता है 4, जो कि 0 कहीं नहीं आया, धरते हैं 2 दुनी 4, और 2 का पावर 4 होता है आपका 16, जो कि 0 कहीं नहीं आ रहा है,
तो जीरो तभी होगा जब वह दो और पांच के गुणनखंड के रूप में होगा, तब होगा, नहीं तो नहीं हो सकता है। तो आप यहां लिख सकते हैं कि चूंकि इतना के अभाज्य गुणनखंड में दो गुणे पांच उपस्थित नहीं है, इसलिए ए कथन में अंतर विरोध है, अतः चार का पावर एन लिख सकते हैं, अतः संख्या, संख्या माने तो संख्या लिखेंगे, अतः संख्या चार का पावर एन शून्य पर कभी भी समाप्त नहीं होगी। ठीक है, इसका लास्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 सेम तरह से ही बनेगा। तो प्रश्न संख्या 6 है, जांच करें कि क्या कोई प्राकृत संख्या n बिलोंग्स टू n के लिए संख्या 7 का पावर n 5 पर समाप्त हो सकता है। सेम प्रश्न है, वह बोलता है कि आवरी कहता है क्या 5 पर समाप्त हो सकता है। तो सेम तरह से मान लेंगे, माना कि संख्या 7 का पावर n 5 पर समाप्त होती है। तो 7 का तो है यह पावर हो गया, तो लिख सकते हैं, तो गुणनखंड होगा ही नहीं, खूब से खूब 7 का पावर, इस तरह ब्रैकेट हटा के लिख सकते हैं। तो बोलता है कि 5 पे समाप्त होगा, बोल दिया एन के बारे में, जो है एन वह बिलोंग्स करेगा किससे, नेचुरल नंबर से, यानी कि संबंध रखेगा। यह एन जो है कैसा संबंध रखता है, यह एन संबंध रखता है आपका नेचुरल नंबर से, यानी प्राकृतिक संख्या से, यानी कि 1 2 3 4 इस तरह धर सकते हैं। चलिए 1 धरेंगे तो 1 का पावर तो 1, यानी कि 7 का पावर 7 रहेगा, या धरेंगे 2 तो 7 का पावर 2 आपका हो जाएगा 49। क्या इकाई में आ रहा है, यानी अंत में क्या 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है 5, क्योंकि 5 आने के लिए आपका जो है ना गुणनखंड में 3 और 5 होना चाहिए, 5 का गुणा जो होगा तभी वो 5 में समाप्त होगा, नहीं तो नहीं हो सकता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि 7 का पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 3 गुना 5 उपस्थित नहीं है, इसलिए ए कथन में अंतर विरोध है, अतः संख्या 7 का पावर n कभी भी 5 पर समाप्त नहीं हो सकती है, हो गया हो सकती है, कभी भी समाप्त नहीं हो सकती है। यह आपका प्रूव हो गया, यहाँ से आपका जो है ना 11 नंबर बिल्कुल क्लियर हो चुका है। चलते अगले प्रश्न की ओर। चलिए प्रश्न संख्या जो है ना अब आ गए 12 पे। प्रश्न संख्या 12, चलो थोड़ा कुछ बेसिक चीज है जो एक पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद फिर ये कौन संख्या है या भाज्य संख्या है, 16 कौन संख्या है भाज्य है, 18 कौन है भाज्य है, 200 कौन संख्या है भाज्य संख्या है। आप बोलेंगे सम है, बिल्कुल सम भी है भाज्य भी है, 9 भी ले सकते हैं, ये भी भाज्य संख्या है। चलिए इसको तोड़ते हैं, टूट गया, और 2 2 4 ये भी टूट गया, 18। सिर्फ पहले आपको यह देखना है, आपको टूटने के लिए तो आता ही होगा, सिर्फ देखना है कैसे तोड़ते हैं।
तो चलिए इसको तोड़ते हैं 200 को, 25 दुना 50, 25 25 सब टूट गया। चलिए तो मैंने 12 को भी तोड़ दिया, 16 को, 18 को, 200 का और 9 भी टूटेगा, 3 3 9 3 1 3 टूट गया। चलिए तो अब इसको 3 हो गया, उसके बाद 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, इसे भी तोड़ते हैं तो 3 गुना 1 3 टूटेगा नहीं है, 7 एकम 7 11 11 एकम 11 13 तोड़ेंगे तो 13 एकम 13। तो हम लोग यहाँ से एक चीज़ सीखते हैं कि हम भाज्य संख्या को तोड़ सकते हैं लेकिन अभाज्य संख्या को नहीं तोड़ सकते, यानी कि जिस संख्या का अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं उसे भाज्य संख्या कहते हैं और जिस संख्या का अभाज्य गुणनखंड नहीं करते हैं उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो यहाँ से एक चीज़ क्या सीखे हैं कि जिस संख्या का अभाज्य गुणनखंडन किया जा सके उसे हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या, यानी कि क्या बोले फिर, जिस संख्या का अभाज्य गुणनखंडन कर सकते हैं उसे कहते हैं भाज्य संख्या। यहाँ से आपको परिभाषा बता देता हूँ भाज्य संख्या का, ऐसे से पहले मैंने आपको बता ही दिया था भाज्य संख्या परिभाषा, लेकिन यहाँ पे कुछ दूसरा परिभाषा है। लोग सोचते हैं क्या, जिस संख्या का अभाज्य गुणनखंडन किया जा सके उसे भाज्य संख्या कहते हैं, यानी कि जिस संख्या को हम तोड़ सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। कौन संख्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 8 है, 8 को तोड़ सकते हैं ना, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, इसको तोड़ सकते हैं ना। जब 8 को तोड़ सकते हैं तो 8 हमारा कौन संख्या हो, 8 हमारा भाज्य संख्या होगा। अब 10 को भी तोड़ सकते हैं, 10 हमारा कौन संख्या, भाज्य संख्या। 200 को तोड़ सकते हैं, 200 भी कौन संख्या, भाज्य संख्या। यानी कि जिस संख्या का अभाज्य गुणनखंडन किया जा सके उसे कहते हैं भाज्य संख्या, यानी कि जिस संख्या को तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसी पे जो है ना आधारित प्रश्न है हमारा 12 नंबर का, इसलिए मैंने आपको यह समझा दिया। चलिए 12 नंबर में है, व्याख्या करें कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 17 एक भाज्य संख्या है। प्रश्न को आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो व्याख्या कर रहे हैं वो भाज्य है, चलिए मान लेते हैं, माना कि a बराबर, हम a ही ले लेते हैं, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 17। तो चलिए इसको देखते हैं भाज्य है कि नहीं है। 11 77 हो जाता है और 13 प्लस 17 13 7 91 बच गया 9, फिर 13 7 91 91 9 आपका हो गया 100 100 हो गया प्लस 17, इसको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 7 1 8 1 0 1। यह भाज्य है या नहीं आपको यह बताना है। अगर भाज्य है तो ठीक है। तो मैंने आपको भाज्य का परिभाषा भी क्या बताया था कि जिस संख्या को तोड़ सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है ना। देखते हैं इसको, अगर हम 1118 को तोड़ देंगे, अगर यह टूट गया तो हमारा कौन संख्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। तो देखते हैं, तो उसे टूट रहा है ना, 2 5 10 0 2 9 18 टूट गया ना, 2 टुकड़ा 3 टुकड़ा जो भी हो जाए, टुकड़ा हो गया ना, जो टूट गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। तो क्या बोलेंगे, चूंकि ए का, ए मतलब वही ना संख्या ए है, ए का अभाज्य गुणनखंडन किया जा सकता है। चूंकि ए का अभाज्य गुणनखंडन, ए का मतलब वही संख्या हो गया, ये सब ए ही है, इसको आप ए बोल सकते हैं ना, सब ए ही है, वही ए हुआ, ए बोलिए या फिर 1018 बोलिए, 1018 का, यानी कि वही ए हुआ। तो ए का अभाज्य गुणनखंडन किया जा सकता है, इसलिए ए बराबर जो लिखे 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 17 1,
भाज संख्या है, यानी कि जिस संख्या का अभाज गुणन खंडन किया जा सकता है उसको हम लोग कहते हैं भाज संख्या। जो कि मैंने इसका अभाज गुणन खंडन यानी किसका कर दिया, तो यह कौन संख्या हो गया, भाज संख्या। ए भी लिख सकते हैं केवल, या ऐसे लिख सकते हैं कि ए एक भाज संख्या है, अथवा ए भी लिख सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या दो, सेम ऐसा ही प्रश्न आप बना भी सकते हैं, लेकिन चलिए मैं आपको तकलीफ में नहीं डाल सकता हूँ, इसलिए मैं जितने भी मेथ होगा सबको बारी बारी से सॉल्व करके दे दूंगा, आप आसानी से समझ सकते हैं। चलिए माना कि ए बराबर, यहाँ पे ए बी एक्स कुछ भी आप मान सकते हैं, हम प्राय ए मानते हैं इसलिए ए मान लिया। यहाँ पे है पाँच गुना सात गुना तेरह प्लस पाँच, ठीक है, एक भाज्य व्याख्या करना बताना है आपको। तो चलिए हमको यहाँ से हम पाँच भी कॉमन ले सकते हैं, चलिए पाँच कॉमन ले लेते हैं, पाँच तो पाँच एकम पाँच प्लस सॉरी यहाँ गुना है सात रह गया गुना तेरह हो गया प्लस पाँच एकम पाँच, तो पाँच तेरह सत्तर इक्यानवे गुना एक इक्यानवे प्लस यहाँ पे वन है पाँच, यहाँ पे गुना है तो गुना इक्यानवे और ये कितना हो गया बिरानवे, गुना कर सकते हैं दो पंचे दस नौ पंचे पैंतालीस एक छियालीस चार सौ साठ, क्या इसको आप तोड़ सकते हैं, अब चाहे तो यहाँ पे गुना करके जोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे कर सकते हैं तो तोड़ सकते हैं, दो दुनी चार दो तिया छः जीरो दो एकम दो एकम दो पंचे दस, यानी आप इसको तोड़ सकते हैं ना, हमने बताया था कि आज जिस संख्या को तोड़ सकते हैं यानी कि जिस संख्या का अभाज्य गुणन खंडन किया जा सके उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं, तो हम लोग इसको तोड़ सकते हैं ना, तो क्या बोलेंगे, चूंकि ए ए का अभाज्य गुणन खंडन किया जा सकता है, इसलिए ए एक भाज संख्या है, ए बोले तो वही संख्या जो लिखा हुआ नहीं वही ना ए हुआ, आपका यह प्रूव हो चुका। चलिए प्रश्न संख्या अगला है, अगला प्रश्न है सात पांच गुना सात गुना ग्यारह गुना तेरह प्लस पचपन, तो चलिए चलिए तो है यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि ए बराबर पांच गुना सात गुना ग्यारह गुना तेरह प्लस पचपन, पाँच सात ग्यारह तेरह पाँच सात ग्यारह तेरह पचपन, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे कॉमन भी ले सकते हैं, यहाँ पे इस पद को गुणा को एक पद कहा जाता है या अलग पद है, तो इसमें पाँच कॉमन भी ले सकते हैं, चलिए पाँच कॉमन लेते हैं, तो पाँच का पाँच यहाँ बच गया सात यहाँ बच गया ग्यारह यहाँ बच गया तेरह पाँच एकम पाँच पाँच एकम पाँच, ऐसे तो यहाँ पे कॉमन ऐसे भी ले सकते हैं, देखिए ग्यारह पचास पचपन कर सकते हैं पचपन यहाँ सात गुना तेरह प्लस पचपन, ऐसे भी ले सकते हैं कॉमन, क्योंकि यहाँ एक के बारे में कॉमन लेंगे उसमें दो को लेना पड़ता, पहले पाँच भी नहीं कॉमन बताने ग्यारह भी कॉमन लेना पड़ता, तो ग्यारह पचास पचपन सात रह गया तेरह रह गया, अब दोनों में कॉमन आ रहा है हमारा पचपन आसानी से, तो पचपन पचपन एकम पचपन गुना सात रह गया गुना तेरह रह गया प्लस पचपन एकम पचपन, तब गया पचपन यहाँ पे गुना है तो गुना तेरह सत्तर इक्यानवे गुना एक इक्यानवे और जो एक जगह बिरानवे, तब इसे गुना कर सकते हैं, तो पाँच दूनी दस नौ पचास पैंतालीस एक छियालीस, फिर वही हो जाएगा जीरो छः चार जीरो छः छः चार दस चार एक पाँच, आपका आ गया पचास साठ, तो पचास साठ आ गया, पाँच दूनी दस नौ पचास पैंतालीस छियालीस हो गया पचास साठ, क्या सब गुणनखंड कर सकते हैं, बिल्कुल इसका जो है ना टुकड़ा कर सकते हैं आप,
और हमने बताया था आपको क्या, अगर जिस संख्या का अभाज्य गुणनखंड किया जा सके उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। इसे गुणनखंड कर सकते हैं इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। तो क्या लिखेंगे, चूंकि ए का मतलब हुआ ये संख्या, हुआ ये बोलिए या फिर ए बोलिए, तो मैंने आपको शॉर्ट में क्या बोला, ए का अभाज्य गुणन खंडन किया जा सकता है इसलिए ए एक भाज्य संख्या है, ऐसे भी लिख सकते हैं अथवा या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ तो हो गया ठीक है ना, सिर्फ इसको आप चेंज कैसे कर सकते हैं, इसलिए एक जगह में आप ए ना लिखा भी लिख सकते हैं, इसलिए 5×7×11×13×55 एक भाज्य संख्या, अब ऐसे भी बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक है चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, चलिए प्रश्न संख्या 13 है ना, प्रश्न संख्या 12 के बाद क्या आ गया हमारा, 13 आ गया। 13 में है तीन मापदंड 64 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर लंबाई के हैं, कपड़े की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करें जिससे इन दंडों में से किसी का प्रयोग कर ठीक ठीक पूर्णांक संख्या में मापा जा सके। आपसे बोल रहा है कि न्यूनतम मान, तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में जो बताया था, शायद तीसरा की चौथा वीडियो में बताया था कि अगर बोलेगा न्यूनतम मान तो आपका एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है एलसीएम, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 64 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर तथा 96 सेंटीमीटर का एलसीएम। बराबर लिख सकते हैं निकालने पर तो आप किसी तरह निकाल सकते हैं 96। मैं डायरेक्ट निकाल कर दिखा देता हूँ आपको, बस सिंपल तरीका जो बचपन में हम बनाते हैं 6-7 में, तो यहाँ 80 है, 2×3=6, 2×2=4, 40, 2×4=8, 2×8=16, फिर 2 से 2×1=2, 2×6=12, 20, 24, फिर 2 से 2×8=16, 10, 12, फिर 2 से 2×8=8, 2×5=10, 2×6=12, फिर 2 से 2×4=5, 2×3=6, अभी डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी कि आपका 2×2×2 1, 2, 3, 4, 5 6 को हो गया, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया 5×3, चलिए गुना कर सकते हैं इसको, 2×4, 2×4×8×16, 16×5=80, 80 इधर तो बच गया, 2×4, 4×3=12, 12×8=96, 1×0 हो गया इतना सेंटीमीटर, यानी कि बोल सकते हैं क्या बोला न्यूनतम अपना कपड़े की न्यूनतम माप की लंबाई, कपड़े की न्यूनतम लंबाई, तो यहाँ लिख सकते हैं आता कपड़े की न्यूनतम लंबाई बराबर 960 सेंटीमीटर, आपका यह आंसर आ चुका। चलिए प्रश्न संख्या 14, प्रश्न 14 में है तीन पात्रों में सत्ताईस लीटर 36 लीटर और 72 लीटर दूध है, कौन सबसे बड़ी माप तीनों पात्रों के दूध को ठीक ठीक माप सकता है। ठीक है, इसमें बोला है बड़ी माप बोलेगा तो आपको निकालना है एचसीएफ, तो क्या लिखेंगे, दिया 27 लीटर, उसके बाद 36 लीटर और 72 लीटर, इतना दिया हुआ है, तो चलिए निकालते हैं, दोनों में किसी को ले सकते हैं, चलिए 27 से भागा दे देंगे 36 में,
इसमें कोई नियम नहीं बोला, सिर्फ आपको माप निकालना है। डायरेक्ट मैंने भाग दे सकता है, भाग दे दी इसको, 27 से कम 27, 9 7 16 खत्म आ गया 27, तो 9 2 18 नोतिया 27 आपका यहाँ खत्म हो गया। अब जो यह बच गया और यह संख्या जो बच गया, तो 9 से यह भगा दे देंगे इस संख्या में 72 में, 9 8 72, तो आपका जो है ना मौस कितना आ गया, ये हो गया 9। तो बोलता है क्या, बयानवे 9 8 72 72 है, ठीक है। तो बोलता है क्या, बड़ी से बड़ी माप क्या है जो तीनों पात्रों के दूध को माप सकता है, अतः बड़ी से बड़ी माप बराबर 9 लीटर। सिंपल है, तो बड़ी से बड़ी माप पूछेगा तो आपको निकालना है एचसीएम, और न्यूनतम पूछेगा यानी लोएस्ट पूछेगा तो आपको निकालना है एलसीएम। तो चलिए प्रश्न संख्या इस लेसन का 15 और यह लास्ट प्रश्न हम लोगों का होगा। बोलता है कि तीन भिन्न भिन्न पात्रों में दूध और पानी के मिश्रण के विभिन्न परिणाम रखे गए हैं, जिनकी माप 403 केजी, 474 केजी और 465 केजी है। कौन बड़ी से बड़ी माप सभी भिन्न परिणामों को ठीक ठीक माप सकता है। फिर बोलते हैं बड़ी से बड़ी माप, तो बड़ी से बड़ी माप जब भी पूछेगा तो आपको निकालना है एच सी एफ यानी कि मौस निकालना है। तो आप लिख सकते हैं क्या, 403 केजी, 434 केजी तथा 465 केजी का मौस निकालने पर तो निकालते हैं इनमें दोनों में किसी या तीनों में से जो हमको लेना हो ले, तो हम दोनों इसको लेते हैं। तो 434 और 403 है, तो 403 से भगा दे देंगे 434 में, तो एक बार में भगला जाता है हमारा 403 1 3, यहाँ पे आ गया 1, इसको फिर घेरना है 403, 403 बार में 3 से यानी कि 3 एकम 3 3 3 9 3 एकम 3 आपका आ जाएगा 0 9 1 10 खत्म 0 9 10 1 3 1, तो आ जाएगा यहाँ पे कितना बार में 10 2 20 एक बार में 10 एकम 10 खत्म 3 1 10 3 30 खत्म हो गया, आ गया 1 10 बारे में, एक बार में देंगे तो खत्म 0। तो आपका मान तो गड़बड़ हो गया क्या, 400 देंगे तो एक बार में 403 434 400 4, यहाँ पे भाग में मिस्टेक हो गया। चलिए यहाँ भाग में क्या होता, मैंने घटाने में मिस्टेक कर दिया कि यहाँ पे 1 यहाँ 3 यहाँ तो खत्म ही हो जाएगा ना, फिर यहाँ पे 403 3 3 9 3 6 12 3 5 15 3 6 18, तो 3 से देंगे तो 30 93 3 6 12 3 9 27, तो 9 9 3 27 हो गया, 9 13 हो गया, 13 9 9 4 13 7 2 9 1 124, तो ढेर बेसी हो जाता है, तो 31 से कम 31 से लगा देते हैं, 31 के बारे में खा रहा है, 9 खत्म हो गया 3, तो कितना बार में 3 बार में 3 3 3 9। अब आपका मौसम जो है ना, मौसा आ गया कितना 31, अभी भी नहीं हुआ, इस 31 जो मौसा आया है ना इसे ही भगा लगाना है जो संख्या बची हुई है 465 बार में, तो 31 से कम 31 खा रहा है आपका 5 1 और 5 5 बार में 5 5 5 5 15
तो आपको यहाँ पे जो दूसरा मौसम आ गया वह कितना आ गया 31। तो लास्ट में क्या लिखना है, अतः क्या मांग रहा था, बड़े से बड़ी माप क्या है, मीन्स मेजर माप। तो आपका यहाँ 1 kg 31 kg आ गया, अतः बड़ी से बड़ी माप बराबर हो गया 31 kg। यानी कि आपका यहाँ जो है 31 kg ऐसा माप है जो तीनों पात्रों के दूध को या जो भी सामान है उसको आसानी से माप सकता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, क्योंकि यह आज मेरा चैप्टर जो है 11.2 खत्म हो चुका। अगले वीडियो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।